इस साइड से सोलो सोलो नमस्कार एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। एक क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। विकास जी हैं प्रमोटर एंड पार्टनर एट TPHQ। मोहन नादार प्रोड्यूसर, ओनर, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर ऑफ TPHQ। अनुसुया सेन गुप्ता, अब तो आप जानते ही होंगे, ओमारा हमारी। मैं दीप्ति चावला हूँ, आई एम एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, आई एम एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इन दिस फिल्म। एंड केतकी हैं TPHQ से, पार्टनर एंड डायरेक्टर इन द कंपनी TPHQ। ऐसे ही लग रहा है कि इट वॉज सपोज टू बी एग्जैक्टली लाइक दिस। इट वॉज मेंट टू बी, द जर्नी वॉज मेंट टू बी लाइक दिस। एंड आई वॉज लकी कि ऐसा पिक्चर मिला, ऐसा टीम मिला है। वी डिड इट ऑल ऑफ अस टुगेदर। अवार्ड भले ही मुझे मिला है, बट इट्स अ ह्यूज विन फॉर द टीम एंड फॉर द एंटायर कंट्री। दैट्स व्हाई एवरीवन इज सो हैप्पी। इट्स अ विन फॉर ऑल ऑफ अस। एज आई सेड, ऐसे ही मतलब इट वॉज मेंट टू बी लाइक दिस। इट्स इतने सालों के स्ट्रगल्स जैसे है, इट्स बीन एन अमेजिंग रन। बहुत कुछ मैंने सीखा है, विच सारे चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट किया है फॉर मी टू बी हियर टुडे, सिटिंग हियर विद एवरीवन। एंड यस, दैट्स द स्टोरी। पहले तो बहुत ही एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस था। बहुत आई थिंक कभी सोचा नहीं था कि वी विल एंड अप गोइंग टू कैंस। तो जब हुआ तो इट वाज या इट वाज वेरी एक्साइटिंग। रही बात अनुसुईया की, I think I always knew it, in the sense that I'll tell you why. Because when we used to work together, here I am doing my own thing, but then here she is, all focused at it, right at it, and so determined, and she's exceptional. When I actually started working in the project, I would like to say that I was a girl who has just stepped in into this whole atmosphere. But then I saw my fellow actor, who is so exceptionally good, and at the same time, she was a woman, like fully owning herself, and so good at her work. I was very much inspired by her, and I got this will to actually grow into my own self. To actually accept myself as who I am. That's what I kind of like in the movie also. In the movie also. Oh my god, yes. We are very proud about the film. Jab humne dekhi thi, we were quite blown away with the treatment. Cinematography, language bahut alag tha. Humne colors itne acche se nahi dekhe the tab. Edit bhi pura nahi hua tha. Aur humne इन दोनों की शक्ल देखी थी। और अनसुईया तो बहुत ही स्टार्किंग है, लकीली क्लटर ब्रेकिंग फेस है। तो जैसे ही फर्स्ट सीन शुरू होता है तो यू जस्ट वांट टू गेट हुक्ड ऑन टू द सीट एंड से, ये कौन है, ये लोग कौन है और ये क्या करने वाले आगे। एंड द एक्साइटिंग थिंग इज कि इट्स अ थ्रिलर, एंड लड़कियाँ थ्रिलर में तो दैट्स ऑलरेडी अ थिंग दैट्स यू नो वेरी पॉपुलर इंटरनेशनली। तो वी वर होपिंग वी मेक द राइट चॉइस। एंड इनका रोल देख के, डायरेक्टर का विजन देख के, एडिट लैंग्वेज देख के, वी वर वेरी श्योर दैट वी वांट टू ऑन बोर्ड दिस फिल्म। हमको तो करना ही था। कैन हो या ना हो हमें नहीं पता था। कैन में सिलेक्शन होना अनसर्टेन रिगार्ड में, जो वो कैटेगरी है, वो इतनी बड़ी बात है अपने आप में। ऑफकोर्स द विक्ट्रीज दैट हैव फॉलन आफ्टरवर्ड्स
आर एन ऑनर ओनली, बट अनसर्टन रिगार्ड में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी. एंड आई रिमेंबर द एक्साइटमेंट दैट ऑल दीज एक्टर्स हैड एंड द नर्वसनेस द डायरेक्टर हैड. एंड 5 कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स हैं, स्विट्जरलैंड है, बल्गेरिया है, ताइवान है, फ्रांस है, और हिंदी मेकिंग मतलब हिंदी स्पीकिंग फिल्म बना रहे हैं, और तब तक इंडिया नहीं था. तो हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात थी. तो वी आर वेरी प्राउड एंड द जर्नी हैज़ बीन रिमार्केबल. इट्स मेड हिस्ट्री एंड आई थिंक इट्स द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ दिस फिल्म टीम. यू नो हाउ दे ड्रीम्ड, हाउ द डायरेक्टर केप्ट हिज कंसिस्टेंसी फॉर 14 ईयर्स, केप्ट द विजन यू नो इन प्लेस, एंड इन लोगों ने जो परफॉर्मेंस दी है वो द अवार्ड सेज इट ऑल. मैम थोड़ा सा ये बताइए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितनी मूवीज आ रही हैं अभी, प्रोडक्शन कंपनीज में आ रही हैं, तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये प्रोडक्शन कंपनी है मोहन सर कीत की मैम, सो आजकल बॉलीवुड में ज़्यादा क्या हो रहा है कि बड़े फेसेस लो और पैसा बनाओ, बट इनका विजन ये है कि नए फेसेस को लॉन्च करो, जैसे अभी इन्होंने थिएटर किया है. सो उसमें क्या लग रहा है आपको, कितना बड़ा इनिशिएट लिया है मोहन सर और कीत की मैम ने, कितनी बड़ी बात है नए फेसेस को लॉन्च करना? इट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, वुड से बड़ी इनिशिएटिव है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी एसेंशियल for the you know forwarding of the industry, so to say, because har type ki picture ki jagah hoti hai, but an industry is made up of different kinds of films. Sirf ek type ke cinema se ek puri industry nahi banti hai, so we need visionaries actually like Mohan sir and Ketki to have that kind of belief, have that kind of conviction, because the more diversity there is be it in the world or in a film industry, the richer we are for it. So for I would say it's absolutely visionary to be able to take up one part of such a large industry. Every kind of film is important, and I personally couldn't be happier because they picked up the film and it's great for us. Kaun sa kitna difficult hota hai new faces ko leke kaam karna aur experience logo, to kya difference hai usme? मुझे तो दोनों सेम ही लगता है. मुझे लगता है कि ज़्यादातर न्यू फेसेस, न्यू टैलेंट ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा कमिटेड होते हैं. वी हैव प्राइडेड आवरसेल्व्स वर्किंग विद लॉट ऑफ न्यू टैलेंट, विद दिस न्यू डायरेक्टर्स, न्यू एक्टर्स. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड दिस बिलीफ ऑफ अवर्स इन द कंपनी एंड इन द टैलेंट हैज पेड ऑफ. To fight for freedom, to hope, to love, and more than this film being about sex workers, I would actually say, I just said it earlier as well, that it's really about love and hope, and that's what ties our entire world together as it should. So that has been my lesson, our lesson, and I think that's what everybody is feeling today, because of where we have taken this film, the whole country is feeling a certain feeling, you know, and that's love basically and hope. Sir, Mika sir, आप से जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह movie से जुड़े पहले तो वो बता दीजिए please, और क्या experience है आपका थोड़ा सा वो share. मैं बताऊं विकास जी के बारे में, जो पैसे आ रहे हैं विकास जी से आ रहे हैं सारे तो जो भी है सर इधर से ही आ रहे हैं. इज द वन इज द इज अ अनसंग हीरो बिहाइंड आवर कंपनी, वो पीछे रहते हैं. इज द वन हुज फंडेड द फिल्म, इज द वन हुज गिवन विंग्स टू TPHQ. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम टू बी हियर. कुछ मैडम कुछ पूछ रही थी. There was a lot of research that the both of us put in into educating ourselves, into informing ourselves. These are real people in a real profession. I would much prefer the word sex worker to prostitute. It's one of the oldest professions in the world. Everyone benefits of them except the ones in it. It was important for us to inform ourselves better,
respect them as human beings before anything else and tell their story as truly as we could. Also talking about Cannes, you know, can you please share your memories and experience? How was your experience there? It was amazing. It was just being at the biggest, if I'm not wrong, the biggest. It is the biggest film festival in the world. It was my first time, it was her first time. We did the film with all our heart and hard work. ये सोच के नहीं किया था कि कैन्स जाएगी फिल्म या अवार्ड मिलना है. दैट केम लेटर एंड दैट्स व्हाई इट वाज इवन मोर ब्यूटिफुल. वी एंड नॉट जस्ट द बोथ ऑफ अस, ऑफ कोर्स इट्स इट टेक्स अ सी ऑफ पीपल टू मेक अ फिल्म एंड वी ऑल नो दैट. एंड सो बट बीइंग देयर एंड इंडिया के लिए जो ईयर हुई है एट कैन विथ पायल्स फिल्म, विथ चिदानंद विन, संतोष सर्स अवार्ड. So it was a very, very proud feeling to be there as a team. It truly felt like we are one big team. And for the rest of the world to see us like that, well bonded, supporting each other, cheering each other on, truly standing for friendship and good art, I believe, that was an incredible feeling. Ma'am, aap experience bataiye, new faces ko launch karna kitna difficult hota hai, jabki kuch रिजल्ट्स का आईडिया नहीं होता, कितना डिफिकल्ट है मैम अपनी फेसेस को लॉन्च आपको करना? जैसे मोहन ने बताया कि डिफिकल्ट ऐसा नहीं है, इट्स मोर अबाउट कि आप वो कंटेंट में कितना बिलीव करते हैं. और विकास जी, मोहन, द प्रोडक्शन हेडक्वार्टर्स, हम तो हमेशा नए टैलेंट, नई चीज़ों को ही सपोर्ट करते हैं. तो हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि सिर्फ हमारी कंपनी के लिए या हम सब के लिए, बट ये पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट है कि जब ये फिल्म जीती और हमने भारत को एक अच्छा अवार्ड लेके आया हम लोग. लास्टली यू वांट टू शेयर समथिंग विद योर ऑडियंस? शी विल. हमारा हमारा सबसे आप बात करते भी चुप बैठी हैं यहाँ पर हमारे. इनका रोल भी ऐसा ही है, उनकी आवाज़ फिल्म में भी इतनी ही धीमी है. तो एज आई थिंक दीप्ति मेंशन्ड अर्लियर, डायरेक्टर आई थिंक इट ही ट्राइड टू माउंट दिस फिल्म फॉर द लास्ट 12+ years. हिंदी पिक्चर है, डायरेक्टर बल्गेरियन है, उनको हिंदी भाषा नहीं आती है. बट फॉर अस एज एक्टर्स एंड आर्टिस्ट टू, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल लेसन एंड अ प्रोसेस टू वॉच कि he had to come on board with a high degree of trust. As soon as we started the prep, Omara and I sat with the director, screenplay leke ki script leke baitho, kaun sa dialogue theek lag raha hai, feel ho rahi hai, nahi ho rahi hai, and he gave us that trust. It became a beautiful collaboration of building something together from the beginning, and that was very, very good to watch. Because ye bhi samajh mein aaya ki भाषा पता है या नहीं है, ही नोज द स्टोरी सो वेल. 12 साल से जो इंसान एक स्टोरी लेके है, जी रहा है, ही नोज इट सो वेल. नॉट नोइंग द लैंग्वेज समटाइम्स डिडंट इवन मैटर, एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू सी. देयर वाज दिस इमेंस ट्रस्ट दैट ही हैड ऑन ऑल ऑफ हिज एक्टर्स, हिज एक्टर्स, द क्रू. इट वाज सो एट इट कि ही वाज वेरी श्योर ही वुड टेक एवरीवनस इनपुट्स एंड देन बी लाइक, okay, I understand what you're saying, I understand what you're saying. What works for this story? Does it work? Yes, it does. Oh, let's do it. This movie, I have to tell you, these are a lot of nations coming together and making this movie. So it is a very human movie. It has human emotions. It has, I mean, every movie does, but it's in its truest form because I think it expresses one of the most strongest human emotion, that being hope. The movie is about hope, and that is how the journey of making the movie also started, with Constantine. For 12 years striving and then being like, I have full faith and hope in this story. Not losing hope, and I want to do this. And he made it happen, and here we are. Anushi, you are the main protagonist. Tell me, you are kind of like, what kind of training process So I think by now
I think the whole country knows that I haven't been acting all these years. So I'm not a trained actor, but I've been lucky to be in the fraternity for very many years. I've had a great deal of education in being able to observe some fantastic actors. And I approach this, I'm a instinct-based person. So I decided to rely on my instinct. I prepped very hard, we both prepped very hard, so did every other actor in the cast. And it required a great deal of physical work. I was you know, training pretty hard, running quite a bit regularly. In terms of the mental prep, there was it was a character which was obviously very demanding, nothing like my own life. So yeah, I would say a great deal of concentration, focus, working closely with my director, my co-star Omara, the rest of the actors. Actually, with the rest of the actors, my character doesn't have that many scenes. So most of my prep was actually with her, but just such fantastic actors to, you know, bring everyone's energy comes together and you feed off that. So, and not just the cast, we had wonderful technicians, everyone, top of the game. Everyone's work was so good. It creates an environment for us to also do well. So I think that was pretty much the story of the prep.